किया है ना? हाँ, पहले स्कूल में किया, माँ कई साल करा है। क्यों आते पैसा नहीं रुकता ना माँ? वहाँ पैसे हजारे रुपए थे। बच्चे घर में पैसा नहीं रुकता ना? ना रुकता माँ, बहुत दुख भी होता है। पिता करता पिता, हाँ मार पिटाई भी रहा है। भी तभी तेरा नुकसान भी किया है? नुकसान भी हुआ है? नुकसान तो माँ कई साल पहला एक बार आग लग गई थी अपने आप ही, आप उससे हो गया था। आग भी लगी थी बाबू के घर में, से चीज भी चोरी हुई है ना? चीज भी चोरी हुई है माँ, और मेरी भैंस भी मर गई थी। मैं बता रही बच्चे, मैं बता रही जो कुछ बस कहा भाई, बच्चों को पीछे बैठाओ ना, बच्चों का कोई काम नहीं है, पीछे होकर बैठाओ। ये होता है यार बाबू, तुम पहले भी कहीं इलाज कराने गए थे? ना माँ, मैं कहीं ना कहीं झाड़ा जट्टा भी करवाया था। ये मोती झारा किसे लिखा था बेटा? मोती झारा हम लड़के का लिखा था। अच्छा, गुड़गामे वाली का कुछ बोल रहा था तुमने? हाँ माँ बोल रहा था, नारियल चुन्नी, सोलह सिंगार नारियल चुन्नी। हाँ ठीक है। पितरों का बाबू क्या करवाया तुमने? पितरों का माँ कपड़े पर आए थे दिवाली पे, थान बना नहीं रखा पितरों का? ना माँ, थान ना बना। अच्छा, थान क्यों नहीं बनाया था माँ? ऐसी जगह ही ना उसमें। अभी पता है सबके घर में पितरों की दिक्कत चल रही है मेरे बाबू, अब ये दिन है तुम्हारे पितर मनाने के। हाँ ठीक है बेटा, पितर मना लो अपने। ठीक है बाबू, कैसे मनाऊं मैं बता दूंगा। बाबू गढ़गंगा जाके उनको ईट से थान मिला के लाओ, ठीक है? हर घर में विराजमान करो, तुम्हारे घर के पहरेदार है, तुम्हारे घर के मुखिया है बच्चे, वो आगे आएंगे तो मैं भी आगे नहीं आऊंगी बच्चे। ठीक है भाई, पहले बोल रही हूँ सबको भाई, अपने पितरों का करके आया करो जो कुछ करना है, क्योंकि तुम्हारे पितर आगे नहीं आएंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगी। पहले कुल के दही देवता आगे आते हैं। अब कहीं से लोन वोन भी लेगा? सच्ची दरबार। और ये कमर में दर्द, पेट में दर्द किसे रहता है? मेरे को ही रहा। सर में भी दर्द रहता है? दवाइयाँ भी खाती बेटा? दवाई खा रही। थायराइड वायराइड तो नहीं? थायराइड है। अच्छा, डेली खाती हूँ उसकी दवाई। अभी बच्चा बीमार होता, तेरा बच्चा बीमार होता? हाँ। अच्छा भाई, भजन चलाओ बिल्कुल, मंदिर चलाओ, तुमने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया भजन। उसके ना लड़के का ना दर्द हो रहा माँ, रीढ़ की हड्डी में। हाँ अच्छा, और कहीं दिखाया बाबू? हाँ दिखाया माँ, लेकिन उसे आराम ना हो रहा। आराम नहीं हुआ? और डूडी ठुवाई है उसकी, तो उसे थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा ना हुआ। तो उसे दरबार लेके आई? वो आया ही ना माँ, पिछले हफ्ते लाई थी कया सुनी करके, लेकिन नंबर आया तो फिर वो चला। भाई बच्चे अगर आते हैं तो बिठाना करो, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर बेटा नंबर आ जाएगा तो मैं दे दूंगी पूछा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे बच्चे वापिस किसी बच्चे को मत भेजना भाई आज के बाद, ठीक है? कोई बच्चा आता है तो उसको बिठा के रखो, क्या पता किस मुसीबत में आ रहा है वो, क्या पता उसे पूछे की जरूरत पड़ रही है किसी रीजन से। ठीक है बाबू, आगे से ध्यान रखना। मेरी सैनक दे दी बाबू? बेटा पहले तो कर जो उसकी क्या नाम है, गुड़गामे वाले की अरदास लगा बच्चे, और घर जाके पितरों की अरदास लगा, ठीक है? और भी इनकी सैनक लिख दो बच्चे की, और तीन हाजिरी है बच्चे की, और बच्चे गुड़गामे वाली को मानती है, जोत बत्ती भी करती है तो? हाँ, माँ का। अच्छा बच्चे, तो एक बार तेरा दरबार मुद्दा लग गया था जोत बत्ती करते करते? हाँ, लग गया था, लग गया था। चौकी में भी हो रहा है जब वो करते कीर्तन, वो नौराते हो रहे लगाते, जब हुआ था तेरे साथ? अच्छा दरबार तो तेरे ऊपर गिर गया था? हाँ, दरबार का तो पता ना उसका ध्यान, शहर में तूने दरबार लगा रखा मंदिर। हाँ, हाँ। किसी माँ को तूने चुल्ली भी उड़ा रखी है? हाँ माँ, बहुत अच्छे दरबार की। वो तेरे वहाँ पे ये टोंट टोंट के कौन करता? बड़ी मंदी करे वाली वीडियो। तेरे घर के पास कोई चीज मिली तुझे? चीज तो मिला माँ, पर मैं ना उसको नजरअंदाज कर दूँ बाबू, ऐसे नहीं कर, क्योंकि जितना उसने ध्यान रखू ना माँ उतना ज्यादा होगा। अच्छा, एक बार तेरे घर के बाहर कुछ चीज मिली थी, कुछ राइट टाइप की फेंकी हुई लौंग वगैरह मिली थी? मिली थी बाबू? हाँ जयकारा मेरे भैरों का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे लांगुरिया का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे भैरों के कुत्तों का, बोल साचे दरबार की जय। भैरों को लड्डू नहीं दिए तुमने भोग के लिए? दे दिए।